हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा करके आ गई हूँ मंदिर में और अभी करते हैं पूजा। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो माता रानी की अच्छे से, खैर वैसे तो पूजा डेली ही होती है पूरे साल ही, क्योंकि ये मैं मूर्ति माता रानी की ना मंदिर में ही रखती हूँ तो पूरे साल ही इनकी पूजा होती है। बट हाँ, ये कि जब जब नवरात्रि आती है तो ऐसे थोड़ा सा इनकी चौकी टाइप की लगा करके बाहर अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैं माता रानी की भी पूजा कर रही हूँ और साथ में मेरे जितने भी मंदिर में भगवान जी हैं सबकी पूजा करते जाते हैं। तो ऐसे तो होता ही नहीं, एक साथ ही बैठा करके सारे भगवान की अच्छे से पूजा करते हैं। फिर इसके बाद अभी मैं चलती हूँ, देखते हैं क्या कैसे करना है, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी रहेगा तो इनका तो फास्ट नहीं रहेगा, बस मैं ही हूँ, क्योंकि इनको अभी आजकल ऑफिस में बहुत इधर उधर भागना, इधर उधर जाना आना पड़ जाता है ना। तो फिर यही हुआ कि ठीक है कोई नहीं, एक्सपायरी नहीं रहे, मैं ही बस रह लूँगी। और आप देख सकते हो मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। पूजा मेरी हो गई है और अभी माता रानी से सुहाग भी ले लेते हैं, साथ में उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर इसके बाद चलती हूँ मैं, देखती हूँ क्या कैसे करना। सोच रही हूँ पहले मैं लस्सी थोड़ा सा बना लूँगी और लस्सी पीने के बाद फिर दोपहर में देखा जाएगा क्या कैसे। वैसे तो मैंने सोचा हुआ है सिंपल आलू ही फ्राई कर लूँगी, वरना बहुत कुछ पकौड़ी टाइप का या कुछ वैसे बना लो ना तो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है ना कि फिर वो ऑयल ऑयल सा ही एकदम गले में लगता रहता है। तो अगर मन करेगा तो फिर रात में मैं कचौड़ी बनाऊँगी, बट अभी फ़िलहाल मेरा मूड है कि मैं सिंपल आलू ही फ्राई कर लेती हूँ। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरी पूजा हो गई है। तो मुहूर्त भी आज का 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक अच्छा मुहूर्त था, ऐसे मैंने देखा था। तो फिर अभी 9:30 बजे, मतलब 9 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 9:30 बज रहे हैं, पूजा भी हो गई आधे घंटे में। और बस अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे मैं खाने पीने का करती हूँ। फिलहाल मैं सोच रही हूँ लस्सी बनाऊँगी और लस्सी के बाद फिर देखेंगे क्या कैसे, क्योंकि लस्सी से ही बहुत पेट भर जाता है। दोपहर का दोपहर में देखा जाएगा। और इनका फास्ट नहीं है, सिर्फ मेरा फास्ट है, क्योंकि इनको तो वैसे भी आजकल इतना भाग दौड़ हो जाती है ना कि मैंने बोला कि नहीं रहो तुम, क्योंकि कभी 11:30 बजे आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे ऐसे करके, तो फिर इनका पॉसिबल ही नहीं है। मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। अभी मेरी माता रानी पूरे 9 दिन तक ना ऐसे ही बाहर विराजमान रहेंगी, फिर इसके बाद मैं इनको मंदिर में अंदर रख दूँगी। तो मैं ये माता रानी एक बार पहने लिया है ना, और मैं ऐसे ही करती हूँ हर नवरात्रि में, माता रानी को ऐसे बाहर स्थापित कर देती हूँ पूरे 9 दिन तक और फिर इनको मंदिर में रख लेती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, लौकी को ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी इसका हलवा। तो पहले मैंने सोचा था सिर्फ आलू फ्राई कर लूँगी, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो लौकी भी रखी है और दूध भी है तो लौकी का हलवा भी बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मीठा भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी फास्ट रहो ना तो कुछ मीठा खा के पानी पीने का भी मन करता है। तो मुझे लगा लौकी का हलवा बना करके रख लेती हूँ। आलू मैंने बॉयल कर लिया है, तो अभी कढ़ाई में घी डालते हैं और घी के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, और इसके बाद जो मैंने आलू को बॉयल किया था उसको डाल दिया। तो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते भी हैं, और सच बताऊं तो फास्ट में सब अपने अपने तरीके से खाते भी हैं, कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता है। तो अभी मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है और बाद में टमाटर डाल करके इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो मैं थोड़ा सा आलू ना चाट टाइप का बना रही हूँ, ऐसे टाइप का आलू मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और बस अभी ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे और मिर्ची मैं उद्दू का निकालने के बाद फिर मैं अपने में डालूंगी। तो ये आप देख सकते हो उद्दू की छोटी सी थाली में ही मैंने लिया हुआ है। तो ये उदयन के लिए आलू रखा हुआ है और साथ में है लौकी का हलवा जो मैंने बनाया हुआ है, और सच में बहुत ही यम्मी हलवा बना हुआ था। थोड़ा सा वैसे भी कोई चीज़ बनाओ तो टेस्टी ही बनती है। और मेरा आलू भी है, मैंने बहुत सारी अपने आलू में मिर्ची भी डाली हुई है। तो अभी शाम का टाइम है, उदयन आया है पार्क, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उदयन प्ले कर रहा है उसमें। नहीं, नो उदयन। रात के 7:30 बज रहे हैं। हाँ नमस्ते, हाय भी कर लो, हाय नहीं करोगे आज? हाय,
अच्छा तो ठीक है, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय। हाय आज नहीं करना, आज बाय करना है। तो अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और मैं बैठी हूँ, आलू मैंने पका लिया है, तो आलू और कुट्टू की कचौड़ी बनाऊंगी। और उदयन कुछ शाम को पार्क लेकर गई थी, वहाँ हम लोग खेल रहे थे, हमने मतलब ये खेल रहा था बच्चों के साथ, मैं तो बैठी हुई थी। पापा आए, पापा कार बताओ, कार कहाँ है? वेरी गुड। एलिफेंट कहाँ हो गया? एलिफेंट, वेरी गुड। और टाइगर कहाँ है? टाइगर, वेरी गुड। और ये पैंडा कहाँ है? पैंडा, पैंडा, वेरी गुड। और चीता कहाँ है? चीता, 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 वेरी गुड। डॉगी कहाँ है? डॉगी बता, वेरी गुड। और ये जेब्रा कहाँ है? जेब्रा, जेब्रा कहाँ है? जेब्रा, वेरी गुड। और बॉल कहाँ है? उधर बॉल, बॉल कहाँ है? बॉल, बॉल, ये तो ऑनियन है, बॉल, बॉल कहाँ है? बोल गए, बॉल ये है, ये तो ऑनियन है, ये ऑनियन है। अब सुनो तो, और थोड़ा सा बता दो, और दीदी कहाँ है? उधर दीदी, दीदी जल्दी से खड़ी हो, जल्दी से बता दो दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी बताओ, वेरी गुड। और उदयन ये बता, मंकी कहाँ है? मंकी, मंकी कहाँ है? मंकी, मंकी, वेरी गुड। चाय कहाँ है? अभी गेट खोलो, गेट खोलो, चाय अभी नहीं मिलेगी। हाँ खोलो, हो खुशी देखो इनकी। अब ये पूरे घर में भगेंगे। पापा, पापा हैं क्या? उदयन के पापा आ गए, उदयन तो खुश है। अच्छा तो फिर बुलाओ पापा को, पापा, 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 पापा। क्या ये, क्या ये फैन? अभी जैसे ही ये आए ना गेट के पास ही, जल्दी से जल्दी जल्दी पापा को बताया कि हम लोग ना वहाँ है, एनिमल मैं बता रहा था। उनकी खुशी देखो जरा, खुशी देखो पापा को, पापा को, अरे बाप रे बाप, ये पापा आ गए, आप सब कर डालेंगे जल्दी जल्दी। रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ अपना फलाहार वाला, तो आलू और कुट्टू के आटे की कचौड़ी बना रही हूँ और साथ में टमाटर की चटनी। तो अगर आप सेंधा नमक खाते हो ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, और अगर नहीं खाते हो सेंधा नमक, तो फिर तो वही होता है ना कि सिंपल सा कुछ फ्रूट्स वगैरह या दही मट्ठा कुछ ऐसे ही खा करके, कुछ मिठाई खा करके निकाल दो पूरा। तो अभी मैंने बनाया हुआ है कचौड़ी, और इनका ऐसे था कि मैं भी यही खा लूँगा, क्योंकि उदयन को भी बहुत ज़्यादा कचौड़ी पसंद है, वो भी फिर पेट भर के यही खा लेता है, तो इनको ऐसा था कि चलो मेरे लिए क्या सिर्फ बनाना, मैं भी यही खा लूंगा कचौड़ी। और सच में इतना ज्यादा टेस्टी लगती है और हैवी भी होती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बन करके तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही हैं, और देखने से ज़्यादा ना खाने में ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस अभी मैं निकाल देती हूँ उदयन, और उदयन के पापा खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद मैं लास्ट में ही खाऊंगी। और सच बताऊँ ना, तो ये वाली कचौड़ी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा सही से बनती नहीं ना, चिपक चिपक जाती हैं, तो इस वजह से। तो मैं अभी अपने वीडियो का भी एंड करूँगी, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।